बोलो भाई न्यूटन, जोर लगा के हईशा। हमारे दोस्त पल्लव इस दीवार से टकराने की कोशिश में हैं। उन्होंने पहियों वाले स्केट पहन रखे हैं। अब साहब दीवार को आगे ढकेलने की कोशिश करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, ये दीवार हटेगी? लगता तो नहीं है। अच्छा तो ये बताओ कि पल्लव अगर दीवार को आगे ढकेलेंगे तो क्या इन दोनों के बीच का अंतर कम होगा या ज्यादा होगा? चलो देखते हैं। अरे दीवार तो हटी नहीं, लेकिन ये पल्लव जी पीछे कैसे चले गए? पल्लव दीवार को ढकेल रहे थे, और अगर वो ही पीछे चले गए तो इसका मतलब हुआ कि दीवार ने उनको उल्टा धक्का दिया है। याद है न्यूटन का तीसरा नियम। अब दुबले से पल्लव के साथ उनके मोटे से दोस्त रितेश भी हैं। रितेश एक भारी सा बैग भी लिए हुए हैं, मतलब पल्लव का द्रव्यमान रितेश और उनके बैग के मुकाबले काफी कम है। दोनों ने पहिए वाले स्केट पहने हुए हैं। पहले रितेश पल्लव को ढकेलेंगे और फिर पल्लव रितेश को करीबन उसी मात्रा में। रितेश के ढकेलने से पल्लव तो काफी दूर पहुंच गए, लेकिन क्या आपने देखा कि रितेश भी पीछे चले गए? अब धक्का देने की बारी पल्लव की है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? जरा वीडियो रोक कर थोड़ा सोचो। ये मोटे रितेश कहां तक जाएंगे, और दुबले पल्लव अपनी जगह पर ही रुके रहेंगे या? देख रहे हो तुम, ढकेलने वाले पल्लव हो या रितेश, दुबले हो या पतले, जो दुबला है वो दूर तक जाता है और ज्यादा द्रव्यमान वाला कम दूरी तक जाता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? बोलो भाई न्यूटन, क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो यहाँ न्यूटन के दिए गए नियम कुछ काम आते हैं या नहीं।